खाली बैठ के क्या फायदा, कुछ काम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने जिम के ठीक नीचे से, क्योंकि अभी मैं जिम पहुँची हूँ। गिरते पड़ते टाइम से आने की फिर कोशिश करी, लेकिन टाइम से मैं कभी आ ही नहीं सकती। तो अब दिन की शुरुआत करते हैं क्लासेस के साथ, तो चलो ऊपर चलते हैं और क्लासेस कराती हूँ। मैं कराऊँगी, आप देखना। अभी तो लगता है कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आज सारे आए लेट और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। तो आज सारे लेट आए थे और क्लासेस मेरी दोनों हो चुकी है और अब मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ, जो कि है योगा। थोड़ी देर में योगा ही करूँगी बस। घर जाते हुए अनार का जूस पीते हुए चलेंगे और ऐसे बनेगी सेहत थोड़े दिन में वापस। सब बोल रहे थे पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक हफ्ता और एक दो हफ्ते में वापस बॉडी शेप में भी आ जाएगी और चेहरा भी वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, नारियल पानी पीते हैं और बाकी ब्रेकफास्ट तो मैं घर से करके ही आई थी। तो भाई मैं नारियल पानी पीने के लिए गई, तो नारियल पानी वाले अंकल जो है ना, वो मेरे को जानते हैं, जूस वाले अंकल जो मेरे को जानते हैं, तो मेरे को बोलने लग गया कि मैं भी तेरा ब्लॉग देखता हूँ। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट सी लगती है मुझे, जब कोई मेरे को बोलता है ना कि मैं तेरा व्लॉग देखता हूँ। बाकी मेरे जिम की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आज तो सारा सामान सुबह सुबह आके हटाया, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत जितना मेरे में ताकत थी मैंने उतना हटाने की कोशिश करी। बाकी अभी भी इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, पता नहीं क्यों लोग डंबल एक्सरसाइज करने के बाद रखते क्यों नहीं है, मतलब क्या तकलीफ है उनको, जब वो उठा के ला सकते हैं तो ले जाने में क्या ताकत खत्म हो जाती है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। तो मैट भी नहीं उठाया जाता, मैट भी मतलब बिछा लेंगे पूरा और जब वापस रखने की बारी आती है तो उनसे रखा नहीं जाता। तो इस वजह से क्या होता है कि क्लासेस कराने में मेरे को प्रॉब्लम होती है, मुझे मैट हटाने पड़ते हैं फिर क्लास करानी पड़ती है, तो पता नहीं कैसे हैं यार। तो जो भी जिम जाते हैं ना, अपना मैट और डंबल्स खुद रखा करो वापस। तो क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ घर। और जगह सफाई हो गई, डंबल सारे एक जगह पे आ गए, व्हील्स इधर आ गए और बाकी भैया साफ कर रहे हैं और पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो मुझे साफ़ सुथरा ही अपना पसंद है यहाँ पे ना। तो अब घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। लग रहा है भगवान ने गर्मी का स्विच ज़्यादा ही तेज़ ऑन कर दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। यार ये किसने लगा दिया भैया, तो चलो घर चलते हैं, घर पे मिलती हूँ। तो भाई घर पहुँच चुकी हूँ मैं और इस टाइम पर ऐसी हालत होती है जैसे स्कूल के बच्चे नहीं आते, वैसे सेम मेरी वही हालत है, बैग गिरा हो रहा है और ये लग रहा है। खोलो, खुला हुआ है, रब्बो बिल्कुल शांति। हाँ पंखे की हवा, बंदा ना जी इन्ना तो क्यूट मिंडया ते मैं छड़ दिता हुंदा, मेला बीता चपचे प्याला चपचे है दुलाला। अच्छा सॉरी, क्या गलती होगी, मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, माफ़ी। तो शाम की गुड मॉर्निंग सबको, चाय बनाते हैं शाम की, और वैसे भी इतने दिन हो गए चाय पी के, तो मेरे को भी चाय शाम को पीने में मज़ा आने लग गया, तो भूख लग रही है तो कुछ बनाते हैं।
तो भाई आज वैसे तो मुझे फास्ट रखना था लेकिन मैंने नहीं रखा क्योंकि अभी थोड़ी सी कमजोरी है, तो अगले सोमवार से फास्ट रखेंगे। और वैसे भी मेरे फास्ट थोड़े लंबे चलने वाले हैं। कि मेरी चाय गर्मा गर्म अभी तैयार हो रही है, अभी तो सिर्फ अदरक डाली है, तो क्या दिखाऊं। किसने काटी है पतंग? पतंग काट दी निश्चय की आपकी, हमने बता के कब उड़ाएगा? वो सामने वाली वो नहीं है क्या बोलते हैं मत्थे वाले अंकल जो इतना बड़ा टीका लगाते हैं, मत्थे वाले अंकल जो, अरे क्या था, भूल गया। उड़ाव ये उड़ाया, तेरे को नहीं आती उड़ानी? हमारे पुरानी खिलाड़ी 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 अपना 15 अगस्त वाला दिन याद आ गया, इसी वजह से शाम तक जो मैं कोशिश करती हूँ ना शाम तक भी नहीं उड़ती पतंग, तो मैंने सोचा वो 15 अगस्त के लिए रखते हैं वो दिन ना, आज नहीं करते। चलो इन ये तो उड़ाई लेते हैं यार छोटे छोटे बच्चे, वैसे एक आध बार उड़ाते हो ना तो वापस हैबिट पड़ जाती है उड़ाने की ना, हाथों को प्रैक्टिस होती है और हाथों को फिर याद आ जाता है। उड़ भी गई यार इसकी, यार तूने तो मेरे को यहाँ की हवा बोली, मैंने तो वहाँ नहीं उड़ाई यहाँ उड़ाई, यहाँ की हवा तो मतलब कहीं भी हो सकती है ना। अच्छा सही जुगाड़ है, बिना बंदे के कन्नी भाई, मैंने तो फिर ट्राई करा फिर नहीं उड़ी ये पता नहीं, इतनी धूप बच्चे कैसे उड़ा लेते और हवा भी नहीं चल रही, चिप 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 हो रही है। मैं तो 15 अगस्त पे ही ट्राई करूँगी, अभी ज़्यादा मज़े नहीं लेते, मैं तो जा रही हूँ नीचे क्योंकि मेरी क्लास है 6। पतंगों पे जो लिखा होता है ना बड़ा मस्त होता है, हैप्पी न्यू ईयर, पहले तो कमला पसंद और पता नहीं क्या क्या, और इसको शायद गुड्डा बोलते हैं, नहीं इसको गुड्डा नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ऐसे में भी कोई गुड्डा आता है मेरे को याद नहीं है, बचपन में खेल जब उड़ाते थे ना तब याद था। तो चलो भाई मैं तो जा रही हूँ नीचे, मेरे को तो लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और अब क्लास भी करानी है, तो नीचे मिलती सीधा, खाली बैठ के क्या फायदा, कुछ काम कर लेते हैं। तो चक्की जा रही हूँ मैं आटा लेने के लिए, चलो चलते हैं चक्की। सबसे बुरे होते हैं, अरे यार ये तो बंद हो गई, चलो भाई चक्की तो बंद है घर वापस चलते हैं। ले बस इतना ही था, तो खाने का टाइम हो चुका है, खाने में मम्मी ने आज मेरी फेवरेट चने की दाल बनाई है और मैं जा रही हूँ खाना खाने, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया था और मे भी कल का दिन बहुत और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। शाबाश शाबाश वेरी गुड शाबाश।